नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। भारत हार गया है, 31 रन से हारा। एक लो स्कोरिंग मैच है, 31 रन बहुत ज्यादा नहीं दिखते, लेकिन जिस मैच में रन ना बने हो 31 रन एक बड़ा समंदर होते हैं। और ये साफ है कि विराट को छोड़कर बाकी बल्लेबाज उस समंदर को तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन हार के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान आया है। दरअसल ये गुस्सा कहिए, आक्रोश कहिए, विराट ने बाकी बल्लेबाजों को कहा है कि आईने में देखने का वक्त आ गया है। विराट कहते हैं कि क्रिकेट के खेल से बचा नहीं जा सकता, देयर इज नो हाइडिंग फ्रॉम द गेम, बचा नहीं जा सकता, इस लिहाज से आईना देखने का वक्त भी आ गया। ये बड़ा बयान जरूर है, लेकिन जिस तरह इस टेस्ट मैच में विराट एक तरफ, बाकी खिलाड़ी दूसरी तरफ थे, अपनों ने ही विराट को धोखा दिया। और यह कहना गलत नहीं होगा कि विराट तो इंडिया से ही हार गए, वो टीम इंडिया से ही हार गए। हालांकि गेंदबाजों ने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन बल्लेबाजों ने दगा दे दिया। चौरासी रन बनाने थे आज भारत को इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन रन बन नहीं पाए। विराट कोहली भी आज करिश्मा नहीं कर पाए। और यह है आज की सबसे बड़ी हाइलाइट। आपने मैच तो देखा ही है, कैसे दिनेश कार्तिक आते ही पहले ओवर में आउट हो गए, उसके बाद भारत सिर्फ 20 ओवर के करीब खेल पाया है। 194 का लक्ष्य था, बड़े बड़े बल्लेबाज हैं जिनको अभ्यास की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, उनको बीच में 5 दिन की छुट्टी भी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कहा हमारी तैयारी है। अभ्यास का मैच का एक दिन भी कम कर दिया गया था, लेकिन सवाल यह है बल्लेबाजों को स्टार्ट तो मिले हैं, बड़ी स्कोर में तब्दील क्यों नहीं कर पाए। सबको पता था कि इंग्लैंड में तेज गेंदबाज हावी होंगे, तैयारी नहीं थी, या फिर यह कहें एक तरफ विराट की बल्लेबाजी और बाकी सब एक तरफ। भारत ने इस टेस्ट मैच में 432 रन बनाए हैं, बल्ले से 414 रन बने हैं, 200 रन बनाए विराट कोहली ने, दो बार आउट हुए, यानी कि 100 की एवरेज, 214 रन बनाए हैं बाकी 18 विकेटों ने, यानी कि एवरेज 11.8। एक तरफ विराट कोहली दो पारियों में 200, दूसरी तरफ 18 विकेटों ने बनाए हैं सिर्फ 214 रन। अगर हालात इस तरह के होंगे तो भारत जीत नहीं पाएगा। मेरे साथ मदन जी स्टूडियो में हैं और बर्मिंघम एजबेस्टन मैदान के पास से हरभजन सिंह भी लाइव है। बच्चू, शुरू आपसे करता हूं, क्योंकि आपने आज भी कहा था कि उम्मीद बहुत है, आपने कल भी कहा था उम्मीद बहुत है, और हम सबको लगा बाकी उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद छोड़ दें क्या? शायद भज्जू को आवाज नहीं जा रही, मैं उम्मीद छोड़ दें क्या? नहीं, उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। देखिए, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, अगर अभी उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर बाकी 4 टेस्ट मैचों में क्या होगा? आपको जितने भी जहाँ से हमने गलतियाँ की हैं, जैसे हमारे बल्लेबाजों ने गलतियाँ की हैं, आप उनको ही स्टेप अप करना पड़ेगा। आपको पता है कि गेंद में इंग्लैंड में मूवमेंट रहेगी, आप अपनी टेक्निक को सॉर्ट आउट करिए और 2nd टेस्ट मैच में ये करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम खेल सकते हैं, नहीं तो फिर मुश्किलें बढ़ती चले जाएंगे आपके। बच्चू, ये हम कह रहे हैं, हमने 2011 में भी कहा, हमने 2014 में भी कहा, हम ऑस्ट्रेलिया जाके भी कहते हैं, साउथ अफ्रीका में जाके कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अगले टेस्ट मैच में बेहतर हो जाएगा। पैनिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि विराट ने कहा है बाकियों को, आईना देखने का वक्त आ गया है। आईना देखने का तो वाकई वक्त आ गया है। देखिए आईना तो बहुत समय पहले से ही देखना चाहिए था, क्योंकि पिछले कुछ दौरे हम ऑस्ट्रेलिया पे, चाहे हम अच्छा खेल के आए हों, अच्छा खेलने का मतलब आप किसको कहते हो कि 2-4 बैट्समैनों ने रन बना दिए वो अच्छा खेलना नहीं होता है? क्या आप सीरीज जीत के आए हो? आईना आपको तभी भी देखना चाहिए था। क्या आप इंग्लैंड में आके पिछली बार सीरीज जीते हो? आईना आपको तभी भी देखना चाहिए था। और आप बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हो कि अब बाकी बैट्समैनों को आईना देखना चाहिए, या ये करेंगे वो करेंगे, हमारी प्रिपरेशन अच्छी है। कहाँ अच्छी है? अगर हम मिडिल में जाते हैं, जब बैटिंग करने की बारी आती है, तो एक आदमी अगर साथ में खड़ा हुआ है अंदर डट के, उसके साथ थोड़ा तो साथ दे, अगर कोई भी एक, मुझे लगता है थोड़ा भी साथ देता विराट कोहली का, तो आज हमारा ये हशर नहीं होता। ये एक, मुझे लगता है कि मैं जैसे कह रहा था, इतिहास में हो सकता है ये हमारी बहुत बड़ी जीत हो, बट ये एक इतिहास में एक ऐसी भी हार है जो कि एक शर्मनाक हार है, क्योंकि एक ही आदमी ने युद्ध लड़ा है, बाकी के सब जो धुरंधर माने जा रहे थे वो सब से सब ढेर हो गए थे, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है, और प्रिपरेशन अगर होती तो ये हशर नहीं होता। विराट कहते हैं कि आईना देखने का वक्त आ गया है, हरभजन सिंह कह रहे हैं कि आईना देखने का वक्त थोड़ी देर पहले था। मदन जी, अगर आप आगे के टेस्ट मैचों की बात करें,
वक्त तो है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज बड़ी लंबी होती है। पिछले दौरे पर भारत ने दूसरा टेस्ट मैच जीता था, उसके बाद इंग्लैंड ने वापसी की थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम कमजोर थी, इंग्लैंड की टीम ने आपको मौका दिया था, आप उस मौके को अगर पहली बार नहीं भुना पाए हो, क्या इंग्लैंड दोबारा मौके देगा आपको? नहीं, देखिए कोई भी टीम दोबारा मौके थोड़ी देती है, क्योंकि जो आपने जो क्रूशल पॉइंट्स है वो आपने आपने जो कैच करने चाहिए थे वो नहीं किए। जैसे कि आपने 193 रन बनने चाहिए, इतनी बड़ी बैटिंग लाइन अगर आप बात करते हैं। पर मैं एक बात मैं बज्जू से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए आपने बाहर जाकर एक दो खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जितने भी रन बने हैं वो इंडिया में सब कॉन्टिनेंटल में के यहाँ पर ही बनाए हैं। जब भी हम विदेश में बने हैं व्हाइट बॉल के साथ और व्हाइट बॉल सफेद बॉल जो हिलता नहीं है, जो स्विंग नहीं होता, सीम नहीं होता। और दूसरा बात क्या है कि हमारी बॉलिंग अटैक ने हमेशा बाहर जाके हमेशा अच्छा किया, हमेशा अच्छा किया। कभी भी आप देख लीजिए जितने भी मैचेस जीते हैं जिताए हैं वो बॉलर्स ने जिताए हैं वहां जाकर, पर बैटिंग हमारी बिल्कुल ही टोटली सही बात है। बजू 60 विकेटें तो भारत ने साउथ अफ्रीका में भी ली थी 3 टेस्ट मैचों में, लेकिन वो सीरीज भारत हारा था। यहां पर आपके गेंदबाजों ने ठीक है दूसरी पारी में थोड़े से बाद में रन जरूर करवा दिए, लेकिन पहली पारी में कोलैप्स भी कराया था। तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी में शायद गुंजाइश जरूर है बेहतर होने की, लेकिन फिर भी आप गेंदबाजों को नहीं कह सकते। मैं तो बल्कि उमेश यादव, हार्दिक पांड्या, ईशान शर्मा की बैटिंग की एप्लीकेशन की दाद दूंगा, क्योंकि आपके पास काबिलियत हो ना हो आप एप्लीकेशन तो दिखाते हैं, आप जिगरा तो दिखाते हैं, आपके मेन लाइन बल्लेबाज तो जिगरा भी नहीं दिखा रहे, टेम्परामेंट और काबिलियत तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। देखिए मैं मधीपा जी से सहमत हूँ बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा है कि गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। एक टाइम पे फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड 200 पे 2 आउट थे, बिल्कुल, और वहां से उन्होंने गेम को वापस लाके ऐसा खड़ा कर दिया था कि एक मौका दिया, बट फिर हमारे बल्लेबाज पूरे ढेर हो गए। कोहली एक लौता शेर जो मैच को इतना पास लेकर के गया, उसके बाद सेकेंड इनिंग में फिर दोबारा हमारे बॉलरों ने एक अच्छी बॉलिंग करके ऐसी पोजिशन पे लाके खड़ा किया कि मुझे लगा था कि अब इतने रन तो हम बना देंगे आराम से, बट वैसा नहीं हुआ। मेरी सोच भी गलत थी, आप लोगों की भी सोच गलत थी, सबकी सोच गलत कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि हम इतना कोलैप्स हो सकते हो कि ऐसी विकेट पे, जो कि कंडीशन ये इंग्लैंड की कंडीशन नहीं है विकी पाजी, क्योंकि आप वहां पे बैठे हो, मैं यहाँ पे हूँ, धूप चढ़ी हुई है, जो ग्रास का कलर है वो बिल्कुल ही पीला कलर है, और अच्छी बैटिंग विकेट है, थोड़ा सा बॉल जरूर मूव करता है जो कि करेगा ही। और तो ये बांग्लादेश के साथ आप मैच नहीं खेल रहे हो, इंग्लैंड के साथ मैच खेल रहे हो, उतना तो आपको पता है कि अच्छा क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा, पर 190 रन, और अपने आप को ये सब धुरंधर मानते हैं कि किसी की 54 की एवरेज है, किसी की 50 की है, किसी की 45 है, बट दिस इज द टाइम टू शो हाउ गुड अ प्लेयर यू आर, यू नो यू कांट जस्ट विन गेम्स विद वन मैन, विराट कोहली कांट बी जस्ट वन मैन आर्मी, ही नीड मोर पीपल, ही नीड मोर पीपल टू स्टैंड अप विद हिम एंड रेज देयर गेम And win games for India. बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ये ना हो कल को कि विराट कोहली की पीठ पर इतना बोझ लाद दो कि वो भी ढह जाए। 200 रन बनाता है एक बैट्समैन, उसकी 100 की एवरेज है, और बाकी 18 विकेटें जो है वो 214 रन, आप अंदाजा लगा सकते हैं, दूध का दूध पानी का पानी यहीं पर है।